नमस्कार जी, सीता जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज खिचड़ी बनाएंगे। दाल ले रखी है, मूंग की दाल, प्याज, टमाटर, लहसुन, मरचा, सब दाल धो दिए। मूंग का दाल है छिलके वाले, कुकर रख दिए हैं। लहसुन मिर्चा के उसमें तड़का लगा दिए। मरचा को लाइक करना, कमेंट करना। प्याज टमाटर का फ्राई करने के लिए इसमें ऐड कर दिए। फ्राई हो रहा है, नमक स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मैट होने देंगे टमाटर को। तब तक मसाला तैयार कर रहे हैं। 1 चम्मच जीरा मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें सारे ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से हल्का पानी डाल करके मैट होने तक पका दिए। इसमें दाल ऐड कर दिए। हमारे वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। चावल इसमें ऐड कर दिए धो करके। अब इसमें पानी डालेंगे 1 कटोरी नाप करके। इसमें ऐड कर दिए पानी। अब इसको अच्छी तरह से गरम मसाला इसमें ऐड कर दिए। साबुत मसाला है। कुकर बंद कर देंगे। अब दो 3 सीटी लगेगा। पेटा के भुर्जी बना रहे हैं। कढ़ाई रख दिए थे। ये भुर्जी बन करके तैयार हो गया है। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अब इसमें चावल के चरौरी इसमें तल करके तैयार कर रहे हैं। कितना अच्छा बन के तैयार हो गया, फूली फूली जैसा। सारे बना करके तैयार कर दिए। खिचड़ी भी बन करके तैयार हो गया है। सर्वे कर रहे हैं। सर्वे कर दिए। 1 चरौरी बनाए हैं, 3 सौरी बनाए हैं। इसी के साथ खाएंगे आज हम। आप भी इस तरह ट्राई कीजिए, आप भी बनाकर खाइए। बहुत टेस्टी लगता है खिचड़ी। बच्चों को भी खिलाइए। हेल्दी भी होता है। धन्यवाद।